दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं पाई नेटवर्क लेटेस्ट अपडेट के बारे में तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे पाई नेटवर्क में एक नया जो है ठीक है आप देख सकते हैं स्क्रीन आ चुकी है पाई मॉडिटर ए एम ए देखिए ए एम ए का मतलब होता है आस्क मी एनी थिंग्स मतलब ये पाई मार्डिटर्स जो है पाई को टीम है ठीक है पाई को टीम जो है पाई मॉडिटर्स के साथ एम ए की ये थी कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दिया गया था तो फ्रेंड्स उन्हीं क्वेश्चन का आंसर जो है आपको जो है इस पेड़ में मिल जाएगा कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो पाई मारेटर ने पाई को टीम के साथ किया था और उनका जवाब जो है पाई को टीम की तरफ से क्या दिया गया है तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप इस पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल की घंटी को दबा लीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेगा और फ्रेंड्स आप मुझे जो है ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए जहाँ पे हम लगातार नए अपडेट देते रहते हैं तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं आखिर पाई रिटर्न ने पाई को टीम ठीक है के साथ कौन कौन से क्वेश्चंस किया था जिनका जवाब पाई को टीम ने दिया था पहला क्वेश्चन यहाँ पे पाई रिटर्न ने पाई को टीम के साथ पूछा था विल देयर बी अ प्लेस इन द एप टू सी हाउ मच ऑफ द टोटल सप्लाई इज स्टिल अवेलेबल फॉर माइनिंग देखिए मतलब कि टोटल सप्लाई कितना है ये चीज़ इसमें कहीं पे भी शो होता हुआ हम लोग को दिखेगा तो फ्रेंड्स पाई को टीम ने जो जवाब दिया था ये बोला था कि जो पाई ब्लैक है ठीक है पाई ब्लैक में आपको टोटल सप्लाई जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगी देखिए और यहाँ पे विल लाकड अप पाई बी इंक्लूड इन द सर्कुलेटिंग सप्लाई आर नॉट देखिए एक्चुअल में क्या होता है जो अदर टोकन होते हैं वहाँ पे जो लाक टोकन होते हैं ना उनको जो है सर्कुलेटिंग सप्लाई से हटा दिया जाता है लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है जो लाक अप पाई है ना उसको भी सर्कुलेटिंग सप्लाई में रखा जाएगा ये सेकंड क्वेश्चन है विल लाक अप पाई बी इंक्लूड इन द सर्कुलेटिंग सप्लाई आर नॉट उसका थर्ड क्वेश्चन है बिल्ड द लैकअप हाइबर काउंटडाउन टाइमर दैट पायनियर कैन रिफर टू इन ऑर्डर टू सी हाउ मच टाइम द लैकअप विल बी इफेक्ट फॉर तो उसमें जो है देखिए टाइमर रहेगा जहां पे आप देख सकते हैं कि इस समय अभी आपके पास कितना टाइमर टाइमिंग बची हुई है मतलब आपका जो लैक ये है आप आई कितने दिन के बाद आपका जो है अनलॉक हो जाएगा तो आपके इसमें जो है वहाँ पे टाइमर जरूर रहेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सपोज आई एम के वाई सी एंड क्रिएटेड अ वैलेट थ्री डेज बैग बट आई फॉरगेट द प्राइवेट के एंड कैन नॉट क्रिएट अ न्यू वैलेट ड्यू टू द वन वीक लिमिट वाट इफ माई बैलेंस माई पाई बैलेंस इज ट्रांसफर टू डेट रिसेंटली क्रिएटेड वैलेट एन आई डो नॉट रिमेंबर द प्राइवेट के मतलब ये बोला जा रहा है कि मान लीजिए मैं के वाई सी मेम्बर से हूँ और बाई चांस मैं जो है अपना पास फेज भूल गया हूँ प्राइवेट के भूल गया हूँ तो क्या होगा अगर हम जो है नया वैलेट न ट्रांसफ़र कर पाएँ और पाई वैलेट हमारा जो है मेन नेट वैलेट पर ट्रांसफ़र हो जाए तो फ्रेंड्स देखिए इस कंडीशन में सिर्फ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी बहुत सारा बिटकॉइन जो है लाश कर चुके हैं क्यों क्योंकि वे अपना प्राइवेट के या फिर पासफेज भूल चुके हैं तो वैसे ही अगर आप भी ये गलती करेंगे कि आप अपना पास फेज नहीं लिखेंगे और कहीं उसको लिख के फेंक देंगे ठीक है ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ठीक है पाई को टीम मेंबर ने साहब बोला है कि ये मेरी क्योंकि ये नॉन कस्टोडियल वैलेट है इसमें आपका जो सेल्फ कस्टोडियल वैलेट मतलब जो है आपका खुद कंट्रोल होना चाहिए आप अपने प्राइवेट के को जरूर जो है कहीं एक जगह अच्छे से लिख के रखिए इससे फ्यूचर में क्या हो आप उसको कभी भी तुरंत जो है अपने पाई वैलेट तक जो है ठीक है ओपन कर सकें तो फ्रेंड्स इसलिए जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अगर पाई बैलेंस कुछ भी होता है तो ये आपकी रेस्लिटी होती है ये पाई को टीम की कोवी इसलिए अपना प्राइवेट वैलेट के जरूर लिख के रखिए अगला क्वेश्चन क्या है बिल्जे भी नोटिफिकेशन दैट विल लेट एस नो इन एडवांस अबाउट द अपकमिंग बैलेंस ट्रांसफ़र मतलब क्या कोई नोटिफिकेशन उसमें एस में रहेगा इसे हम ये जान पाएं कि जो बैलेंस ट्रांसफ़र का अपकमिंग नोटिफिकेशन अपकमिंग आने होने वाला है होगा कि नहीं होगा सो दैट पाइन ईयर कैन अल्टर लाख सेटिंग बिफोर द ट्रांसफर इन इससे अपना जो है लाख सेटिंग क्या करें चेंज कर सके तो फ्रेंड्स बता दें कि एप्स में जो है नोटिफिकेशन सेटिंग रहेगा ठीक है जिससे भी मतलब जो है कोई भी अपकमिंग जो है बैलेंस ट्रांसफर आएगा अगला क्वेश्चन है विल देयर बी अ प्लेस इन द एप्स टू सी हाउ मेनी के वाइसी यूजर वी हैव इन द कम्युनिटी हाँ ये भी इसका भी आंसर आप बता दे रहे हैं कि पाई को टीम ने बोला है कि एक जगह ऐसा होगा जहाँ पे के यूजर्स का आप देख सकते हो ठीक है के यूजर्स कितने हैं आप वहाँ पे देख सकते हो या क्या है वन एंड हाउ विल द के वाई सी बेलेटर रिसीव पा रिवार के आई सी बेलेटर्स किस तरीके से अपना रिवार्ड चूज करेगा देखिए मान लीजिए अगर आपके पास पहले नंबर जो वेटर्स रहेंगे वे जो है मतलब कि बहुत ही ट्रस्टवर्डी जो रहेंगे उन्हीं को चूज किया जाएगा उसके बाद मान लीजिए अगर आपका के है तो वैलेटर उसको पता है तो सभी अगर मतलब कि वैलिड आईडी है ठीक है और हर एक चीज़ तरीके से अगर संतुष्ट होता है वैलिडेटर उसके बाद उसको अगर ओके कर दिया जाता है तो जैसे ही ओके होता है टू और थ्री वॉलेटर्स और भी अगर ओके कर देते हैं तभी जाके आपको जो है ये पाए रिवार्ड मिलेगा के करने के लिए यहाँ क्या है इधर द सिस्टम गियर्ड अब टू वनली हैव वन वैलेट पर पाएंगे आर विल बी एबल टू डिफाइन एंड यूज मल्टीपल वैलेट इन साइड ऑफ देखिए आप जो है मल्टीपल वैलेट बंद यूज करिए आप केवल सिंगल वैलेट ही इस समय यूज करिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे मल्टीपल वैलेट नहीं सिंगल वैलेट ही और हाँ जो भी यूजर्स जो है मल्टीपल अकाउंट यूज कर रहे हैं यहाँ रखिएगा मल्टीपल अकाउंट वालों का पाई नेटवर्क ने जो है आ जो है बहुत सारे का क्लोज कर दिया है और आपका भी फ्यूचर में भी क्लोज कर दिया जाएगा और यहाँ तक कि जो आप मेन जो है अपना के वाई सी एप्स ओपन ठीक है अपना पाई नेटवर्क ऐप्स ओपन कर रहे हैं वो भी आपका लाभ हो जाएगा क्योंकि होगा क्या है अगर आप एक या एक मोबाइल से दो दो तीन तीन अकाउंट बनाएंगे तो आपका आईपी एड्रेस तो सेम रहेगा लेकिन अकाउंट दो तीन रहेगा तो आपका तुरंत जो है वहाँ पे वे लोग दोनों अकाउंट ब्लॉक कर देंगे इस तरीके से आप दोनों अकाउंट से ठीक है ना तो अपना हाथ धो बैठेंगे इसलिए जो है केवल एक ही जो है मतलब अकाउंट ओपन करिए ज़्यादा होशियारी मत करिए ठीक है फिर अगला क्या है वन विल द के वाई सी वेलेटर्स बी सेलेक्टेड वन दिस विल स्टार्ट बहुत ही जल्द के वाई सी वेलेटर्स जो है ठीक है सेलेक्ट किए जाएंगे क्योंकि जो है मार्च तक जो है सभी की के वाई सी कंप्लीट कराना है और ये बहुत बड़ा टास्क है फिर माइनस वू डू नॉट मीट द ए क्राइटेरिया ए टू बी एबल टू के वाई सी वंस दे रू देखिए मान लीजिए जो भी यूजर्स हैं जो भी यूजर्स हैं छोटे बच्चे हैं अगर उनकी के वाई सी करना चाहते हैं तो होगा क्या यहाँ पे पाई कोटी ने बोला है कि एटीन तीन ईयर से कम वालों की के वाई सी अलाव नहीं है लेकिन फिर भी अगर छोटा बच्चा है अगर अपने पेरेंट्स के साथ अगर पिक लेता है तो उसकी जो है के वाई सी जो है हो सकता है जो है वैलिड हो जाए तो इसलिए फ्रेंड्स जो छोटे एट, एटीन से नीचे हैं ठीक है ना होता है वो जो है अपने पेरेंट्स के साथ भी मतलब कि पिक ले सकते हैं और उसको वेल्ड हो सकता है अगर फिर क्या है वेन कैन वी स्पेड द फर्स्ट व्यू शॉपिंग डी एप्स टू बी लाइव ऑन पाई नेटवर्क मतलब पहला शॉपिंग डी एप्स जो है पाई नेटवर्क कब लाइव होगा जैसे ही मैन नेट लॉन्च होगा वैसे ही आपका यहाँ पे ये पाई नेटवर्क जो है शॉपिंग डी एप्स लॉन्च कर दिया जाएगा और क्योंकि देखिए अभी बहुत सारे डी एप्स हैं जो पाई में नेट बैलेंस जो है ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं इसलिए जो है अभी शॉपिंग डी एप्स एक्टिव नहीं हैं लेकिन जैसे ही पाई नेटवर्क बैलेंस में बैलेंस ट्रांसफर होने लगेंगे तो वहाँ पर शॉपिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी अगर फ्रेंड्स साइए फ्रेंड कैन एक्सपेक्ट द फर्स्ट व्यू यही ठीक है वेन देयर बी ए लिस्ट ऑफ़ सिटी अप्रूव मार्केट प्लेस फॉर पानिया टू रिफरेंस मतलब कि कब जो है को टीम के द्वारा अप्रूव मार्केट प्लेस होगा जो पानिया रिफरेंस करेंगे तो इसकी भी लिस्ट बहुत ही जल्द जारी किया जाएगा कि जाए इसके स्कैम न होने पर क्योंकि बहुत सारे ऐप्स ऐसे हो चुके हैं जो हो सकता है एक दो ऐप्स उसमें स्कैम भी निकल जाए तो फ्रेंड्स इसलिए जो है जो को टीम अप्रूव मार्केट प्लेस है वहीं पर आप जो है पाई जो है मतलब मार्केटिंग करेगा आगे क्या है विल देयर बी ए मकैनजम फॉर पानिया टू रिपोर्ट मार्केट प्लेस स्कैम हाँ अगर मान लीजिए कोई डी एप्स है जो बार बार स्कैम कर रहा है तो आप उसको जो है रिपोर्ट जो है स्कैम कर सकते हैं उसके बाद तुरंत ही जो है पाई को टीम उसे अपने डी एफ से ठीक है तुरंत उसको ब्लॉक कर देगी यहाँ तक कि पाई ब्राउजर से ब्लॉक कर देगी उसके बाद तो कभी भी, भी दोबारा जो है ठीक है ना पाई ए ब्राउजर में ऐड नहीं किया जाएगा तो फ्रेंड्स इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है तो ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जहाँ पे पाई को टीम नंबर ने पाई बल डिटेल्स का जवाब दिया है तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ